भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए हमें सातों स्वरों का अभ्यास करना होता है, जिसको हम प्रतिदिन अलंकार के माध्यम से करते हैं। जैसे कि पिछले लेसन्स में हमने अलंकारों को गाया और उनका अभ्यास किया, अब हम संगीत सीखने की अगली श्रृंखला में इस भाग की शुरुआत राग यमन से करेंगे। लेकिन राग यमन को सीखने से पहले आप सबके मन में एक प्रश्न आया होगा कि राग होता क्या है। राग शब्द संस्कृत के रंज धातु से बना है। रंज का अर्थ है रंगना। जिस तरह एक चित्रकार तस्वीर में रंग भरकर उसे सुंदर बनाता है, उसी तरह एक संगीतज्ञ मन और शरीर को संगीत के सुरों से रंगता है। रंग में रंग जाना मुहावरे का अर्थ ही है कि सब कुछ भुलाकर मगन हो जाना या लीन हो जाना। संगीत का भी यही असर होता है। जो रचना मनुष्य के मन को आनंद के रंग से रंग दे, वही राग कहलाती है।